हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ोया रब्बानी ब्लॉग्स। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रिफ्रेशिंग ड्रिंक। ये रमज़ान में का मेरा पहला वीडियो है, तो हम बहुत दिनों के बाद आपके लिए कोई रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बना रहे हैं रिफ्रेशिंग ड्रिंक, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हमने लिया है 2 ग्लास दूध लिया है, और पानी लिया है, और शुगर लिया है 6 टेबल स्पून, और चिया सीड लिया है, आइस क्यूब्स हैं, और हमने लिया है ग्लोवज़ा लिया है। तो बस इन्हीं कुछ चीज़ों के साथ हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। ये जो थोड़े से पानी को इसमें हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है, शुगर डाल दिया, और अब हमने इसमें दूध पोर कर दिया। इन सारी चीज़ों को एक एक करके वन बाई वन हम इसमें पोर करते जाएंगे और इसको ग्राइंड कर रहे हैं। अब उसके बाद हमने इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया। ये देखिए, हमने ये जो रूह अफ़ज़ा था उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। रूह अफ़ज़ा ऐड करने के बाद इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर दिए। उसको इसके आइस क्यूब्स डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। कम से कम 1 मिनट के लिए हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, ग्राइंड करने के बाद इन सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं अच्छे से। अब किसी बर्तन में इसको हम इसको पोर कर लेंगे। हमने आइस क्यूब्स डाल दिए। ये चिया सीड हमने पहले से ही इसको भिगो के रखे थे। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको आधे घंटे के भिगो के रखे थे, स्वेल कर गए। अब इसको हम सारी चीज़ों को इसमें किसी जग में पोर कर लेंगे। तो चिया सीड, आइस क्यूब्स, और ये जिस जो दूध रोसा चीनी पानी इसका जो है मिक्सचर था, ये सारा चीज़ एक साथ हमने इसमें पोर कर लिया है, और ये हमारा रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन के रेडी है। आप चाहें तो और देर पहले से भी चिया सीड भिगो के रख सकते हैं, तो अच्छे से सेल कर जाएगी। तो आइए अब इसको सर्व करते हैं। अब इसमें ग्लास में हमने थोड़े से रोसा डाल दिए हैं, और आइस क्यूब्स डाल देंगे। आप जैसा ठंडा पीते हैं वैसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप आइस क्यूब्स डाल सकते हैं या नहीं डालेंगे, आप ये आपके मर्जी है। एटलीस्ट थोड़ा सा एक डेढ़ आइस क्यूब आप डाल लीजिए, उससे बहुत अच्छा, जब ये ठंडा रहेगा तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इन्हांस होगा। तो चिया सीड भी डाला है, तो ये देखिए आपको देखने में कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी, ये ड्रिंक आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें कुछ है नहीं, हो सकता आप अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।